अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अजरंदी किचन। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बेसिक स्पंज केक, जिसके लिए हमने 4 अंडे लिए हैं, 100 ग्राम चीनी मैदा है, 100 ग्राम चीनी है, 1 टीस्पून हम वनीला एसेंस ले लेंगे। ये देखें, अंडे हमने तोड़ लिए हैं, एक बाउल में डाल लिए हैं। बस अब हम इन्हें बीट करेंगे। थोड़ी सी चीनी डालेंगे, फिर बीट करेंगे। वन टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। इसकी स्पीड हमने हाई कर दी है। देखिए, हमें इतना ही फ्लफी चाहिए था। ये आप देख सकते हैं, ये 4 अंडे कितने हमारे डिश भर के फूल गए अच्छे से। बस हम इसमें मैदा मिलाएंगे। एक बार और देख लें, इस तरह से गिरना चाहिए। और हम इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे। देखें, इसको बहुत हल्के हाथ से हमने फोल्ड करना है। ये लास्ट है, इसे भी हम फोल्ड कर लेंगे। इसमें बहुत हल्के हाथ से, देखें कितना फ्लफी था। ये उतना ही है, मैंने इसके झाग बिल्कुल ख़त्म नहीं किए हैं। जो इसमें स्पंज बना है उसे बैठाना नहीं है बिल्कुल भी। ज़्यादा फोल्ड करने से, मिक्स करने से झाग इसके जो ये स्पंज बना है ये बैठ जाएगा, हमें ऐसा नहीं चाहिए। ये देखें, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखें, सारा इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा है, मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो हमने अब कॉपी वाला जो पेज होता है उसका बटर पेपर बना के, यानी होममेड, तो मैंने इसमें बिछाया है। हमने अपने पतीले को प्रीहीट होने रख दिया है मीडियम टू लो आंच पर। बस अब ये सारा हो गया, इसे भी हम रख देंगे। ये देखें, बस हमने इसको इवनली स्प्रेड करना है, हमने इसको टैप नहीं करना बिल्कुल भी। ये देखें, वरना इसका जो फॉर्म है, स्पंज है, वो बैठ जाएगा। ये देखें, इसकी आंच कितनी आंच रखी है मैंने, इतनी ही आंच रखिएगा। चलें, अब हम इसको इसी आंच पर 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे और दरमियान में हम इसे चेक करते रहेंगे कि अगर ये नहीं हुआ तो एक दो मिनट हम इसे और दे देंगे। चलिए, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल क्लीन है, ये रेडी हो गया, हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखें, हमने इसको निकाल लिया है और ये ठंडा हो गया है। अब ये इसका हम ये वाला पेपर भी निकाल लेंगे। कितना अच्छा ये बना है हमारा केक। और मेरी आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।